Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me. And it's such a pleasure coming and speaking over here. Or frankly, जो speeches पहले हुई है मैं तो जोश और वलवले से भरी भी हूँ. बहुत खूबसूरत. प्लीज ये चेयर अगर हटा दें इट्स ओके. आई डोंट नीड इट. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आई हैव अ नी प्रॉब्लम और वो लिटरली माइंड से ना मैं उसको ठीक रखा हुआ. तो मैंने इनको बताया हुआ था है तो उन्होंने कहा हम आपके लिए कुर्सी रख लेते हैं. सो वेयर डू आई स्टार्ट एंड आई वाज वंडरिंग व्हाट एम आई डूइंग हियर. बट देन आई थॉट कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी तो मैं जीती जागती मिसाल हूँ इस वक्त खड़ी हुई क्योंकि पिछले साल मुझे कैंसर हुआ था और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी मुझ पर. बोन स्कैन और एवरीथिंग रेडिएशन एंड कीमो एंड एवरीथिंग. सो सारे ड्रामे मैंने से गुजर के आई हूँ और इससे पूरी टेक्नोलॉजी का कमाल है जो मैं आज ऐसे बैठी हूँ. मैं असल में इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ लेकिन उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने देखा है कि उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हैं और जो मैं बात करने लगी हूँ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे अमल भी करें और उसको समझें भी. आजकल कैंसर बड़ी हॉलनाक बीमारी है और चूंकि मैं बीच में से गुजरी हूँ तो आई एम अ विटनेस टू इट कि यस इट्स नो जोक. लेकिन आई एम ऑल्सो अ विटनेस टू इट कि इट कैन बिकम अ जोक एंड एन अफसाना एंड अ स्टोरी थिंग इंशाल्लाह इन द फ्यूचर. बाद में हम बात करेंगे कि हाँ एक बीमारी होती थी. ये मेरी कहानी तो शुरू हुई. मैं भी आप लोगों की तरह सेहतमंद चुस्त तवाना हर वक्त हर जगह भाग दौड़ कर रही आजकल की ज़िंदगी में महव थी और अचानक एक दिन मैं तैयार हो रही थी तो मैंने ऐसे ही फील किया एक लंप है. तो अभी अभी मेरी एक फ्रेंड असल में स्टेज फोर से ठीक हुई थी एक साल में. तो वो लंप हुआ तो मुझे फौरन उसका ख्याल आया. मैंने उसको फ़ोन किया जो ही मैं तैयार हुई मैंने उसे फ़ोन किया तो कहने लगी तुम ऐसे करो कि हॉस्पिटल जाओ और हॉस्पिटल नहीं अपना अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम कराओ और फिर वो बस उसने ये कहा. मैंने बस दौड़ लगाई और वो किया और उस रात 9 बजे तक मुझे समझ आ गई थी और मुझे पता चल गया था कि मुझे कैंसर है. तो अल्लाह ताला आपको किसी रास्ते के अंदर जब गुजारता है तो एक चीज़ याद रखें कि वो बेमकसद कोई चीज़ नहीं करता. खाम वखा वो कुछ भी नहीं करता. इस वक्त आप जहाँ हैं आपको अल्लाह ताला लेके आया है. जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी अल्लाह ताला लेके जाएगा लेकिन आपके लिए उसके पास कोई मकसद है. वो जिस तरह आर्मी में एक्सरसाइजेस होती हैं और हर एक्सरसाइज का कोई मकसद होता है इसी तरह वो जो मकसद होता है वो ये होता है टू डेवलप सर्टेन क्वालिटीज इन द पर्सन इन द सोल्जर. असल जिंदगी में हम सारे सोल्जर्स हैं और हम सबको जो हमारे हालात गुजर रहे हैं वो हमें मोल्ड कर रहे हैं वो हमें तैयार कर रहे हैं एक और चीज़ के लिए जो अभी तक हमारे ज़िंदगी में आई नहीं. चीज़ मैंने अपने वालिद से सीखी थी. माय फादर वाज ब्रिगेडियर सरफराज फाइटर. ही इज़ एन इन्फेंट्री ऑफिसर एंड फॉट इन टू वॉर्स. 65 की वॉर में भी गए और 71 की भी वॉर में गए. काजी थे. जब 65 की वॉर में जा रहे थे मैं छोटी सी थी और मैं देख रही थी कि वो वॉर के लिए जा रहे हैं तो मैंने उनको जप्पी मारी और मैं रो रही थी. तो उन्होंने कहा खबरदार जो तुम्हारी आंखों में आंसू आए क्योंकि मैं मुल्क को डिफा करने के लिए जा रहा हूँ और तुम मुस्करा के मुझे खुदा हाफिज़ कहो. एंड दैट्स वेयर आई लर्न हाउ टू बी ब्रेव एट द एज ऑफ 5 एट द एज ऑफ 8. तो उसके बाद ये होता था कि जब भी मैं कीमो के लिए जाती थी तो मुझे डैडी की सिचुएशंस याद आती थी कि बैटल फील्ड में किस तरह एक ऑफिसर दोबारा जाता है. You know, you are going in front of guns and battle pistols and all that, whatever. Mummy कहती थी gun fodder होता है infantry officer. तो वो सारे तो कैसे जाते थे. मैंने तो अपने वालिद को हमेशा मैदान जंग से मुस्कुराते और हंसते ही देखा था आते हुए. तो ये भी तो मेरी जंग है भाई. दुनिया में बहुत सारी जंगें लड़ते हैं हम सारे सोल्जर्स हैं अपनी अपनी जिंदगी के. तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. ये जनाब ये मेरी कहानी यहाँ यहाँ शुरू हुई. उफ बोन स्कैनर के नीचे गुजरना सब मुझे डर लगता था.
तो मेरी बेटी से मैं कहती थी कि प्लीज मुझे कोई बातें करो, फिर हम वो अच्छा फिर हम सब टर्की जाएंगे। हाँ ठीक है टर्की जाएंगे। टर्की जाते जाते हम बोन स्कैनर के नीचे आगे पीछे आगे पीछे तो ये करते थे। और वो बड़े मज़े की, वो इससे जाने से पहले आपको एक इंजेक्शन लगाते, उस इंजेक्शन की बोतल खोलने के लिए वो जो आदमी है वो एक जैकेट पहनता है। मैंने कहा ये कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना है, क्या पहना, और वो ये दवाई मेरे अंदर जा रही है। अच्छा भाई उसके बाद 3 घंटे आराम करो उस कमरे में। अब जब मैं कमरे में घुसी तो 20-30 लोग उसमें बैठे, मैंने सोचा सारे कैंसर पेशेंट्स हैं माशाल्लाह। तो पिक्चर ऑफ डूम एंड ग्लूम। अच्छा इजाजत भी नहीं है कि उसमें से बाहर निकलो, तो क्या सिर्फ आप वॉशरूम जा सकते हैं। अच्छा तो मैं सबको कहती मैं आउटिंग पे जा रही हूँ। सारे लोग हैरान कि इसको कैसी इजाजत मिल गई। तो देखते थे कि मैं वॉशरूम ही जा रही हूँ, इस वक्त सिर्फ इसी की इजाजत। मेरे साथ जो एक खातून थी वो सो रही थी, मैंने उनको जगाया। मैंने कहा मैं तो इधर 3 घंटे बैठे, मैं तो गप मार रही हूँ आपके साथ। मैंने कहा आप गप मारेगी, कहती है हाँ। तो वो मेरे साथ बहुत खुश हुई और उसने वो मेरी दोस्त बन गई। जैसे मेरे डैडी कहते थे कि जो आपने वक्त मैदान जंग में गुजारा होता है, जिन कॉमरेड्स के साथ, जिन फ्रेंड्स के साथ, जो सोल्जर्स के साथ आपने वो वाला वक्त गुजारा होता है, वो वाली जो यारी होती है ना, वो क्लोजनेस, वो जो बॉन्ड होता है, वो आपका किसी और के साथ नहीं होता, किसी और रिलेशनशिप के साथ नहीं होता। और मैं समझती हूँ क्योंकि ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में जब आप जंग में घुसे होते हैं, उस वक्त जब आप जिसके साथ होते हैं वो दैट पर्सन मीन्स अ लॉट। तो वो जो थे लोग जो कैंसर पेशेंट्स थे उनके साथ एक स्ट्रेंज सा बॉन्ड था, चाहे हम उसके बारे में बात करें या ना करें। जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप जो है, अब आप देखें कि आप जिस चीज़ पर तवज्जो देंगे वो बढ़ेगा। अगर आप किसी के अंदेशे हैं, एहसास कमतरी है, नाउमीदी है, फिक्र है, तो इन चीज़ों को अगर आप पानी देंगे तो वो वाले पौधे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप अल्लाह से उम्मीद वाला पौधा जो है उसको आप पानी दें, उसके ऊपर रखें, एंड दैट इज़ द वन दैट इज़ गोइंग टू टेक यू एक्चुअली फ्लाइंग थ्रू द होल थिंग। तो मैंने एक मुफ्ती साहब से भी कॉन्टैक्ट किया, उनसे भी मिली नहीं, मैंने गायब आना, बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड्स हस्बैंड। और उन्होंने मुझे एक तेल दिया दम करके, वो मैंने लगाया। फिर 41 टाइम सूरह फातिहा, मैं अब आपको थोड़े से स्पिरिचुअल टिप्स दे रही हूँ। 41 टाइम सूरह फातिहा विद एंड यू रीड दैट बिटवीन फर्ज एंड सुन्नत, सुन्नत एंड फर्ज प्रेयर इन द फजर प्रेयर, सुन्नत और फर्ज के दरमियान आप ये पढ़ें। और जब आप पढ़ रहे हैं ना, सामने ग्लास बॉटल रखें, पूरे डे का सप्लाई ऑफ वाटर। अब वो वाला पानी को देख देख के आपने वो सूरह फातिहा पढ़ना है 41 टाइम, और फिर सारा दिन वही वाला पानी आपने पीना है। और नुस्खा ये था कि 41 डेज तक आपने ये करना है। नो हार्म इन इट, द फेथ हैज टू बी देयर, एंड इफ यू डू इट विद फेथ इट वर्क्स वंडर्स। तो खैर जी ये तो सारा ये था, बेशक ये बंद कर दीजिएगा। नाउ आई कम टू द क्रक्स ऑफ द मैटर, द रियल थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट। सबसे बड़ी जो शौक होता है ना, जो आपको पता चलता है, हट्टे कट्टे हेल्दी लोगों को ये होता है आम तौर पे। माय हस्बैंड वाज अ वेरी फिट वेरी हेल्दी पर्सन, उनको जब हुआ वी वर ऑल शॉक, वी वर सो हेल्थ कॉन्शियस। मैं ये अदर टीस्पून में अंडा फ्राई करना मेरी प्रैक्टिस थी और मेरा नाज था, मेरा फ़ख्र था, इसलिए कि मेरे मियाँ तेल नहीं ले, ज़्यादा घी शी नहीं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उसके बावजूद कैसे हो गया। तो जब मैंने ज़्यादा तफ्तीश की तो मुझे पता चला कि जी हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे नॉर्मल लाइफ में रखते हैं विच इज़ डेंजरस फॉर अस। नाउ दैट इज़ वेयर आई वांट कि आप लोग स्पेस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपने बहुत दूर जाना है, हम सब ने बहुत दूर तक काम करना है। वी वॉन्ट अ लाइफ ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड दैट प्रोडक्टिव लाइफ कैन नॉट बी देयर अगर हम बीमारियों में फंसे हुए हों। ठीक है, तो हमने इससे किस तरह बच सकते हैं कि कोशिश करें कि सब्जियां घर की खाएं, इस तरह यू नो, इसमें जो डाइट है, डाइट हैज़ टू बी सब्जियां, दालें और नट्स, ठीक है, एंड अवॉइडिंग वीट। वीट चूंकि अच्छा सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है वो शुगर, शुगर के ऊपर पलता बढ़ता है कैंसर।
और मैं तो माशाल्लाह डेढ़ दो चम्मच चीनी तो जरूरी लेती थी चाय में। नॉर्मली मैं शुगर नहीं लेती थी लेकिन उसमें जरूर लेती थी। केक्स हम खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ऑल वेरी वेरी डेंजरस। इसी तरह ये जो हमारे ये जो क्या पोल्ट्री फार्म्स के जो हैं चिकन्स एंड ऑल दैट, बहुत सारी हम बातें सुनते हैं लेकिन जब चिकन सामने आ जाता है असल में हाथ छोड़ा नहीं जाता। रेड मीट कम खाएं, कम से कम खाएं और रोज़ कम से कम करते जाएं। तो दैट इज़ द डाइट थिंग। और भी बहुत है, आप लोग सिर्फ गूगल करें हाउ टू अवॉइड कैंसर थ्रू योर फूड एंड ये हज़ार में से एक आदमी को होता है। अगर आपकी 22 करोड़ 24 करोड़ आबादी है तो उसमें देखें कितने हजार है, उतने आदमियों को कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर। इसी तरह इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मिक्स क्राउड से मैं बात करूं, क्योंकि आप ये ना समझें कि आपको नहीं हो सकता। और जो मेरे डॉक्टर हैं वो स्पेशलिस्ट हैं प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में, तो वो ये कहने लगे कि विमेन के लिए तो फिर भी अक्टूबर है, आप लोग पूरा महीना आपके लिए होता है, आदमियों के लिए तो वो भी नहीं। मैंने कहा चले ब्लू नवंबर, अगले साल से ब्लू नवंबर हम करेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि इन किस्म की स्कीम्स के साथ ये चीज़ें अवेयरनेस हमने बढ़ानी है। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि 90,000 पेशेंट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनमें से हाईएस्ट रेट ऑफ डेथ्स पाकिस्तान में, जबकि ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट क्योरेबल ऑफ ऑल कैंसर्स, मोस्ट क्योरेबल। जब मोस्ट क्योरेबल है तो इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों हो रही हैं पाकिस्तान में? इसीलिए आज मैं उर्दू बोल रही हूँ, इसीलिए मैं अग्री करती हूँ कि आप लोगों तक से बात करूँ और डिफरेंट जगहों पर जाके फोरम्स पर बात करूँ, अपने मीडिया में अपने इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत उर्दू में टॉक्स रखी हुई हैं और वेबसाइट पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप लोग ये कर सकते हैं। खैर एनी हाउ द थिंग इज़ के 90,000 में से 40,000 अगर डेथ्स हो रही हैं तो ये होना नहीं चाहिए। ये बात कर रहे थे सरदार इलियास के पाकिस्तान को मौका दें। आप देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी इज अ हेल्थियर प्लेस, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा कैंसर होता है, पाकिस्तान में कम होता है एज कम्पेयर ओवरऑल। होता है तो डेथ्स यहाँ ज़्यादा होती है लेकिन वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि जिस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, आप देखें हम देखें अच्छा ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो दो साल तक बिल्कुल ठीक रहता है। घंटी बजाए अपने सर में, क्योंकि दिस इज़ अ यू नो दिस मीन्स कि इतनी ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले गए हैं इस प्रोडक्ट में ताकि वो इतनी देर तक शेल्फ पे रहने के बावजूद वो फ्रेश रहे। तो हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें माइक्रोवेव में प्लास्टिक को यूज़ करना, प्लास्टिक पे खाने हमने बहुत किए, पूरी उम्र गुजार दी इस तरह। फ्रोजन फूड्स हमने बहुत खाए, फ्रोजन फूड्स आर डेंजरस, माइक्रोवेव को कम करें, यू नो इस तरह की। मुझे इतनी और पानी बहुत पीना है, सोना बहुत अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल की भी बात की सरदार ने, बहुत ज़बरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। माई कैंसर टॉट मी टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, गिव माई सेल्फ प्रॉपर्टी प्रायोरिटी, टू से नो टू द प्रोडक्ट। हमारे यहाँ जी प्लीज़ ये ले, ये मैंने निहारी बनाई है आपके लिए, ये आप ज़रूर खाएं। तो खा लें, थोड़ी सी खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। द पॉइंट इज दैट वी हैव टू लव आवर सेल्फ मोर देन द रॉन्ग फूड्स एंड प्रोडक्ट्स अराउंड अस। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी गाड़ियाँ, पाकिस्तान बड़ा गर्म मुल्क है तो जब हमारी गाड़ी में, आपको पता है जब हम गर्मी में गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं कहीं से आते हैं तो गाड़ी कितनी गर्म हुई हुई होती है धूप में खड़ी रह के, या वैसे ही उसकी प्लास्टिक की बू हमारे ऐसे करके आती है। फिर हम क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, बैठते हैं, खिड़कियाँ बंद और ए सी ऑन कर देते हैं, हमें अभी ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, अभी हम सारे वो प्लास्टिक को अंदर इनहेल कर रहे हैं। आपने पहले तो ये करना है कि बाहर ही रहे, यू नो यू आर स्मार्ट पीपल, वी जस्ट हैव टू नो कि हमने क्या चीज़ गलत किया है। सो जब तक गाड़ी ठंडी नहीं हो जाती, खिड़कियां सारी खुली रखें, ये वाली हवा को बाहर हमने निकालना है, फैन लगा दें, एसी लगा दें, लेकिन खिड़कियां खुली रखें ताकि वो बाहर निकल जाए और उनको अपने बॉडी से दूर रखें, ठीक है। ख़ासतौर पे रात को और ख़ासतौर पे जब वो चार्जर पे लगाए उस वक्त पर यूज़ करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अब तक पता चल गई, हम क्यों नहीं इनका ख्याल रखते,
वो हम अभी सोच में पड़े हुए, मैं इसीलिए आप लोगों से कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप अभी से, आप लोग यंग लोग हैं, अभी से आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह करे कि आप सब में से किसी को भी कभी भी ना हो। लेकिन एक मैंने आप लोगों से पूछना है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वन डियर पर्सन और वन नियर पर्सन या ना वन पर्सन यू न्यू वेरी वेल हु हैज हैड कैंसर? मैं आगे का नहीं पूछूंगी कि वो है या नहीं है, बताइए। लुक एट दिस, ये है, दिस इज हाउ अलार्मिंग दिस सिचुएशन इज। आई वुड से 50% मोर देन दैट, है ना? कितने लोगों ने अभी कोई एस्टिमेट बनाया हो ऑफ द रेस्ड हैंड्स? तो दिस इज द सिचुएशन, मेरे अपने हस्बैंड की डेथ हुई है, मेरे सामने हुई है। सो द थिंग इज के दिस इज नॉट, दिस इज अ टाइम बॉम्ब व्हिच इज कमिंग नियर, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन कंट्रोल। अच्छा, और सबसे बात फाइनल चीज, हर एक ने मुझे बड़ा कहा, ओ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर तो कहते तुम ज्यादा, मुझे मरीज ही कभी नहीं मिला। और फिर जब मैं उनके ऑफिस जाती हूँ, कहते तुम्हारी एक मुस्कुराहट जो है ना, बस उससे मेरा दिन बन जाता है, बिकॉज यू कांट इमेजिन कैंसर पेशेंट्स कमिंग टू हिम स्माइलिंग। और मेरी आदत है, मैं स्माइली करती रहती हूँ, हंसी मजाक तो मेरा चलता ही रहता है, उधर भी वार्ड्स में हर जगह पे मैं हंसी मजाक में रख के करती थी। और मैंने जब बहुत सारे इंजेक्शन और टेस्ट हो चुके होते थे, तो मेरे बुरी हालत होती थी, तो जब डॉक्टर वार्ड टेस्ट के लिए आ जाती थी, तो नर्स आती थी या मैं उसके पास जाती थी, तो मैं कहती थी कि शेर सुनाओ, मैंने कहा तुमने आज जख्म लगाओ, तुम्हें इससे क्या हुआ, भरने वाले हैं अभी जख्म पुराने कितने। मुझे लग रहा है कि 18 मिनट से तो मैं ज़्यादा बोल चुकी हूँ, तो आखिरी एक मिनट में मैं आपको एक इलामा इकबाल का शेर सुनाती हूँ। ना हो तो ग्यान मुश्ताकी, तो मैं रहता नहीं बाकी, कि मेरी ज़िंदगी क्या है, यही तो ग्यान मुश्ताकी।